Hey everybody, I'm Anam. I'm excited to welcome you to my channel. Hope you guys doing well. And आज का टॉपिक है हाउ टू गेट फेयर स्किन और क्लियर स्किन. तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो आपकी रियल स्किन है उससे प्यार करना सीखे. जो आपकी नेचुरल स्किन टोन है उसका ख्याल रखिए. कोशिश करें कि उसी नेचुरल टोन को आप इम्प्रूव करें. अपनी क्लियर स्किन करने की कोशिश करें. डाइट अच्छे लें. डोंट कंपेयर टू अदर. आपकी रियल जो भी स्किन टोन है आप उससे प्यार करिए. आप उसका ख्याल रखिए. जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी पर करेंगे वो लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, ना कि आपकी स्किन टोन. ओके, तो एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू एम्ब्रेस केयर फॉर यू. रियल स्किन से प्यार करिए और अपने डाइट पर फोकस करिए. अच्छा खाइए, खुश रहिए, कोशिश करिए खुश रहिए. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे क्योर करने की कोशिश करिए. और जो आपकी नेचुरल स्किन टोन है वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप दूसरों से कम. ऐसे पॉइंट और ट्रिक्स ऐसी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ जिससे आप अपनी स्किन को और ज़्यादा यंग बना सकते हैं. ठीक है, और अपना थोड़ा सा लाइट इफेक्ट दे सकते हैं स्किन को. अगर आपके चेहरे पर टैनिंग वगैरह हो रही है तो कुछ ज़्यादा यंग बना सकते हैं और आपकी स्किन, मतलब जो आपका नेचुरल स्किन टोन होगा तो वहीं से वापस फिर से आ जाएगा वो. ठीक है, तो इन टिप्स को ज़रूर से ज़रूर. नंबर वन टिप्स है सन प्रोटेक्शन. हमेशा सनस्क्रीन लगाना ना भूलें, क्योंकि ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम अपने मॉर्निंग में उठने के बाद फेस वॉश करें और सारा रूटीन फॉलो करने के बाद सनस्क्रीन ज़रूर वेयर करें. क्योंकि सन से निकलने वाली यूवी रेज बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा डेंजर होती हैं आपकी स्किन के लिए. आपकी स्किन को पूरी तरीके से डैमेज कर सकती हैं. टिप नंबर टू है एक्सफोलिएट. एक्सफोलिएट करना बिल्कुल ना भूलें अपनी स्किन को, क्योंकि एक्सफोलिएशन का काम होता है आपकी जो दिन भर की डेड सेल्स होती है, डेड होती है दिन भर की, उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. आपके स्किन टेक्सचर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है एक्सफोलिएशन करना, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आपकी स्किन का ब्राइट कॉम्प्लेक्शन करने में एक्सफोलिएशन का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है. नंबर थ्री है हाइड्रेशन. हाइड्रेशन 2 से 3 लीटर पानी आपको ज़रूर इंटेक करना है पर डे. ठीक है, पानी पीना बिल्कुल मत भूलना. पानी पीना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी स्किन को हाइड्रेशन देने के लिए, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, आपके माइंड को हाइड्रेशन देने के लिए. ठीक है, तो 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना ही पीना है. और इसके साथ साथ हाइड्रेशन की बात हो रही है तो मॉइस्चराइजर तो कैसे बोल सकते हैं. मॉइस्चराइजर अपने पॉकेट में हमेशा रखना है. अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज करने की कोशिश करिए. ठीक है, अच्छी कंपनी का आप मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, उसे अप्लाई करें और रूटीन फॉलो तो करना भूलना ही नहीं. आप नंबर 4 पर है हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट. आपको अवॉइड करने हैं जंक फूड, फास्ट फूड. ठीक है, अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को शामिल करें, उसको ऐड कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर. एंटीऑक्सीडेंट अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये सारे फूड आपके एक तो हेल्दी हैं और आपकी स्किन को एक यंग बनाने में बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं. और आपकी हेल्दी स्किन अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा टिप्स सारे हेल्प होंगे आपकी. नंबर 5 है यूज़ नेचुरल रेमेडीज़. जी हाँ, लास्ट में हम नेचुरल रेमेडीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि अंदर से अपनी बॉडी को एक अच्छी तरीके से हील करते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं, तो वो अलग इफेक्ट आता है आपकी बॉडी पर. ठीक है, और अंदर के साथ साथ आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं रेमेडीज़ जो आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन में एक ब्राइट इफेक्ट देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, इस तरह की प्रॉब्लम को भी क्योर करेंगी. ठीक है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन देंगी और जितनी ज़्यादा स्किन हाइड्रेट रहेगी उतनी स्किन आपकी यंग लगेगी. ठीक है, तो इन टिप्स को फॉलो ज़रूर करिए. अपनी डाइट में टिप्स को ज़रूर से ज़रूर ऐड करिए.